अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो है 705, आईएसआर 705 मॉडिफिकेशन। और इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि यार एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है, एक छोटी सी बात और फिर उसके बाद मॉडिफाइड रिपोर्ट की तरफ आएंगे। जब ऑडिटर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती है तो ऑडिटर्स को बोला जाता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ऑडिट ओपिनियन दो, मतलब बताओ आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ मसले हैं, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही गलत है। ऑडिटर को बोला जाता है अपना ओपिनियन दो। अच्छा, ऑडिटर्स कहते हैं कि हम अपना कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देंगे, कभी भी हम अपना एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं देंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि यही होता है, सही ही है, गलत ही है, नहीं, हम इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हमेशा बोलेंगे कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम नहीं दे सकते, हम अपनी ऑडिट मेथडोलॉजी के हिसाब से एक आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे देंगे, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे देंगे और हम आपको बता देंगे हमने किस बेसिस के ऊपर ये अश्योरेंस दी है, ठीक है, हमारी क्या मेथडोलॉजी दी, हम आपको वो दिखा देंगे, लेकिन हम एक रीजनेबल अश्योरेंस देंगे और वो रीजनेबल अश्योरेंस अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, वरना नहीं। और हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये रीजनेबल अश्योरेंस की एक रिपोर्ट आपके तहत जैसे कि आईजा 700 ने बताई है, हम वैसी रिपोर्ट डाल रहे हैं अगर आपके पास, अगर आपके अंदर कोई इशू नहीं है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी इशू नहीं है हमारे हिसाब से, हमारे हमारे एस्टिमेट, हमारी जो रीजनेबल अश्योरेंस है उसके हिसाब से आपके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, तो उस बुनियाद के ऊपर हम एक रिपोर्ट देंगे आईजा 700 के हिसाब से, जो रिपोर्ट आईजा 700 ने बताई है कि उसमें टाइटल आएगा, उसमें ऑडिटर का ओपिनियन आएगा, उसमें बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा, उसके अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसमें कैम भी आ सकता है, गोइंग कंसर्न भी आ सकता है, उसके अंदर अदर मैटर पैराग्राफ भी आ सकता है, उसके अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर भी आ सकता है, उसके अंदर आपका एंड में पार्टनर का नाम भी आ सकता है, उसका साइन भी आएगा, जो भी सारी चीजें होंगी वो उसने बता दिया कि यार मैं आपको एक ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल बता रहा हूँ, इस ऑडिट रिपोर्ट को आपने इसी शक्ल में बना के रीजनेबल अश्योरेंस देना है। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट आईजा 700 ने बताई है, ये उसने वो रिपोर्ट बताई है जिसके अंदर कोई मसला नहीं है, जिसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्या एक कंपनी बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, और रीजनेबली अश्योर अश्योरेंस आपको दी जा रही है बाय दी ऑडिटर्स कि ये कंपनी सही है। अब जब ऑडिटर्स ये रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं एज पर आईजा 700, तो ऑडिटर ये कह रहे होते हैं कि यार आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें आपकी बैलेंस शीट आ रही है, जिसमें आपकी पीएनएल आ रहा है, जिसमें आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं, जिसमें आपके चेंजेस इन इक्विटी आ रहे हैं, और जिसमें आपके नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें रीजनेबली सही हैं, ठीक है जी। आइजा ने 700 के हिसाब से एक रिपोर्ट बताई ताकि वो रिपोर्ट एक तरह की स्टैंडर्ड रिपोर्ट बन जाए और ताकि जो भी ऑडिटर्स आके अपनी रिपोर्टिंग करें वो उसी तरीके से रिपोर्ट बनाए। अब ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट्स बन क्यों रही हैं, ये रिपोर्ट्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि ताकि यूजर्स को इन रिपोर्ट्स को देख के हेल्प हो कि यार ये कंपनी सही है, ये कंपनी कितनी गलत है, इस कंपनी में क्या मसले हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तब जाके ही होगा जब वो रिपोर्ट्स आपस में कंपेरेबल हो। अगर एक बंदा एक अलग तरीके से जज कर रहा हो, दूसरा बंदा किसी और तरीके से जज कर रहा हो, तो कभी कंपेयर कर नहीं सकोगे, जब कंपेयर नहीं कर सकोगे तो डिसीजन कैसे लोगे कि किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट का एक फंक्शन, एक तरीका बता दिया गया 700 के अंदर कि इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ताकि हर बंदा एक ऑडिट रिपोर्ट उठाए, दो ऑडिट रिपोर्ट उठाए, तीन ऑडिट रिपोर्ट उठाए, उनको कंपेयर करके देख सके कि हाँ यार इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला नहीं है, इसमें मुझे अगर कैम देखना है, इस लिस्टेड कंपनी का कैम देखूंगा, देखता हूँ इस लिस्टेड कंपनी का कैम क्या है, दोनों लिस्टेड कंपनीज के अंदर कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनके जो सही तो हैं लेकिन ऑडिटर को बड़ा मुश्किल हुआ करने को। अगर एक कंपनी में रेवेन्यू चेक करने में बड़ा मुश्किल हुआ है एक पेट्रोलियम कंपनी में, तो आप दूसरी पेट्रोलियम कंपनी को भी कैम जाके देखेंगे क्या इनका भी रेवेन्यू इतना मुश्किल था चेक करना? अगर दोनों का था, हाँ ये तो इंडस्ट्री वाइड इशू है, लेकिन अगर एक पेट्रोलियम कंपनी का रेवेन्यू बहुत मुश्किल था चेक करना और दूसरे का बहुत आसान था, कैम में नहीं आ रहा, इसका मतलब
ये भी हो सकता है कि एक कंपनी का रेवेन्यू मैकेनिज्म बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है रादर देन दूसरी कंपनी का जो उसके बिल्कुल कंपटीशन में। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूजर्स, जो बिल्कुल एक अच्छे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उनको हेल्प करती है। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट था ये समझने के लिए कि आईएसओ 700 की रिपोर्ट क्यों बनाई गई, एक फॉर्मेट क्यों बनाया गया। अगर कंपनी के अंदर कोई इशू नहीं है तो हमें आईएसओ 700 के हिसाब से एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है और उसके अंदर रिपोर्ट के सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब आईएसओ 705 कब आया? आईएसओ 705 तब आया, आईएसओ 705 ऐसे आया कि उसने कहा कि यार जब तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा हो तो तुम आईएसओ 705 लाओ। मॉडिफाई का क्या मतलब? मॉडिफाई का ये मतलब कि आईएसओ 700 से हटके कोई भी ओपिनियन दोगे तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगा। आईएसओ 700 में हम कहते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, और हम ये आपको कंक्लूड करके दे रहे हैं आफ्टर कंडक्टिंग आर ऑडिट ऑडिट आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब मैंने अपनी सरकमस्टांसेस में अपनी चीजों के हिसाब से जो ऑडिट प्रोसीजर्स बनाए थे उसके हिसाब से जो ऑडिट का चीजें गैदर करी उसके हिसाब से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा था कि हाँ भाई रीजनेबली सर्टन है के कोई मसला नहीं है। ये हम आईएसओ 700 के अंदर कह रहे थे। अब जहां हमें दो चीजें हम इसके अंदर क्लेम कर रहे हैं, एक चीज हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्लेम इकट्ठा कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, एक चीज ये हम बता रहे हैं। दूसरी चीज हम बता रहे हैं कि इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कहीं भी इशू आया तो मतलब आईएसओ 700 से हट गए। अब जब आईएसओ 700 से हट गए तो क्या मतलब मॉडिफाइड हो गए, और मॉडिफाइड हो गए तो सीधा आईएसओ 705 में आ गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आईएसओ 700 के जो दो डायलॉग, वी आर एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद हम ये बता रहे हैं कि देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये दूसरा ऑप्शन। इन दोनों को जब मैं मर्ज करता हूं तो आईएसओ 700 से अंदर मैं पहुंच जाता हूं कि बिल्कुल सब सही है। जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में मसला आता है तो आईएसओ 705 मतलब मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन की तरफ हम पहुंच जाते हैं। और अब हम ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आईएसओ 705 को बिगिन करते हैं। अच्छा जी, हम 705 को बिगिन करते हैं। 705 का बेसिक मतलब क्या है कि एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना। मॉडिफाइड ओपिनियन देने का मतलब यह है 700 से दूर हो जाना, 700 से हट जाना। अब 700 से हटोगे तो दो चीजों में से एक चीज हो गई, या तो आप जो है सारा ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया और आपको पता चला कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर ही नहीं किया। इन दोनों कंडीशन के अंदर आप 700 से डिविएट कर जाओगे। क्यों डिविएट कर जाओगे? क्योंकि 700 ये पूरी लाइन कहता है आई हैव गैदर्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इन दैट रिस्पेक्ट आई एम कंक्लूडिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियल मिसस्टेटेड। ठीक है, अब जब 700 ये पूरी लाइन कहते हैं कि मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरी बात इसमें कि हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी गैदर कर दिया, तो 700 में से कोई भी एक चीज इफेक्ट हो सकती है और हम 700 से दूर होके 705 में आ जाएंगे। तो हम पहली चीज अज्यूम करते हैं कि हमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो पकड़ ली। हमने कहा कि हमारी जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिले हैं, हमने उससे चेक करने के बाद देखा कि यार हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब ये इसी तरीके से होगा कि जैसे आपके जॉब इंचार्ज ने शुरू में जाके एक लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट किया, उसने अलग अलग एरियाज बांटे, सबने अपने अपने एरिया के हिसाब से ऑडिट एविडेंस गैदर करना शुरू करा। जॉब इंचार्ज ने पूछा कि यार सबको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? तो सबने बोला जी मिल गया, हमें सेल्स रिपोर्ट भी मिल गई, उस सेल्स रिपोर्ट की इनवॉइसेस भी मिल गई, जो सैंपल हमने निकाला था उसके हिसाब से इनवॉइसेस मिल गई, एक्सपेंसेस वाले ने भी यही बोला, कैश एंड बैंक वाले ने कहा बिल्कुल, कंफर्मेशन भी आ गई हैं, जो जो एरिया बांटा था सबने कहा हमें तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर हो गया। तो फिर सेकंड सवाल जॉब इंचार्ज ने कहा ठीक है यार, पहला तो टिक हो गया, 700 का पहला टिक हो गया, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अब मुझे बताओ कि क्या किसी को कोई मसला पकड़ा गया, किसी को ऐसा लगता है कि मिस स्टेटमेंट हो गई? तो एक ऑडिट जूनियर था, उसने कहा यार मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हो मिस स्टेटमेंट हो गई? हाँ कुछ मुझे गलतियां लग रही हैं, कुछ मसला लग रहा है, कुछ प्लस माइनस का इशू है, कुछ इस तरह के इशूज हैं, कुछ
IFRS में कुछ चीजें कुछ लिखी हैं, किसी इन्होंने कुछ अलग कर दी हैं कहीं ना कहीं, तो लेकिन मिस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे मिस स्टेटमेंट बताएंगे आप क्या होती है? तो उस ऑडिट सीनियर ने कहा मिस स्टेटमेंट ये होती है कि जब आप एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज करते हैं, जब आप एक चीज IFRS के हिसाब से कर रहे हैं और वो चीज IFRS से डिविएट हो जाए, आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो मैनेजमेंट ने वर्किंग करी है, वो IFRS से डिविएट हो जाए, इसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। उसने कहा सिंपल सी एक चीज है, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई है, एक है उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके थ्रू वो बननी चाहिए थी IFRS से फॉर एग्जाम्पल। अब अगर जितनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस फ्रेमवर्क से डिविएट करेगी, वो सब मिस स्टेटमेंट है, भले वो मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स की हो, भले वो मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर की हो, किसी भी तरीके की मिस स्टेटमेंट हो, वो अगर डिविएट कर रही है तो मिस स्टेटमेंट है। तो एक जूनियर उठा, उसने कहा जी भाई हमारे उसमें मिस स्टेटमेंट निकली है, अगर इस हिसाब से है तो सेल्स जो है वो पॉइंट इन टाइम होनी चाहिए थी, इन्होंने ओवर द टाइम कर दी और जिसकी वजह से एक मिस स्टेटमेंट निकली है जो के मटेरियल लेवल से ऊपर है, तो ये मटेरियली मिसस्टेटेड है। तो इस पे हमें ये तो पता चल गया उस मैनेजर को कि हाँ यार ये ऑडिट रिपोर्ट जो हम देंगे वो 700 की नहीं रही अगर ये मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट को बताई और उन्होंने सही नहीं करी। अब फॉर एग्जांपल हमने ये मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट को भी बता दी, मैनेजमेंट ने कहा नहीं यार ये मिसस्टेटमेंट तो हम सही नहीं कर रहे, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि 700 की रिपोर्ट नहीं वो 705 की रिपोर्ट दे, और 705 की रिपोर्ट में अब उसका नेक्स्ट स्टेप होगा देखना कि क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव है या नहीं। तो इतने में एक और जूनियर उठा, उसने कहा परवेसिव से क्या मुराद? उसने कहा परवेसिव का बिल्कुल सिंपल मतलब ये कि परवेसिव का मतलब ये है कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट हुई और वो एक जगह पे कन्फाइंड नहीं हुई, या तो अगर एक जगह पे कन्फाइंड हुई तो वो अमाउंट इतनी बड़ी है, वो जगह इतनी बड़ी है कि वो बहुत ज्यादा मटेरियल है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के हिसाब से, ठीक है, या वो अमाउंट जो है वो एक जगह पे कन्फाइंड नहीं है, इन्वेंट्री में मसला है, परचेज में मसला है, बहुत जगह पे स्कैटर हो रही है, या तो फिर वो ऐसा डिस्क्लोजर मिस हुआ हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूजर्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन तीन कंडीशंस के अंदर हम बोलेंगे कि ये अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव हो गई, और जब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव हो गई तो ऑडिटर कहता है मैं नहीं बता सकता कि ये जो मसला किया है, ये जो इशू किया है, इसका इशू या इसका मसला कहाँ कहाँ तक जाके गिर रहा है। और इस केस के अंदर फिर ऑडिटर कहता है कि भैया जी मैंने तो हार मान ली, मैं तो कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, और उसके लिए वो यूज करता है एक टर्म जिसको कहते हैं एडवर्स। तो पहली जिस केस के अंदर अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, अब जब मिल गया है तो मटेरियल में स्टेटमेंट देखनी थी, वो देखी तो पता चला भाई ये तो परवेसिव निकली, जब परवेसिव निकली तो हमने कहा ऑडिटर ने कहा नहीं अब मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अपनी अपने यूजर्स को बोलूं कि सिर्फ ये एरिया में मसला है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये मसला कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, तो मैं तो एक एडवर्स ओपिनियन दूंगा। और जब वो एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो उस केस के अंदर वो कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, उसके अंदर बाकायदा बेसिस फॉर ओपिनियन में वो स्पेसिफिकली ये कैटेगराइज करते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट होती और ये परवेसिव नहीं होती, मतलब ऑडिटर लोकेट कर पाता, बोलता ये कन्फाइंड इन एन एरिया है या ये मटेरियल है मगर इतनी ज्यादा नहीं कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है, तो फिर उस केस के अंदर वो कहता है ये परवेसिव नहीं है, और परवेसिव नहीं है तो वो लोकेट कर पा रहा है, ये बात को समझो, ऑडिटर अगर लोकेट कर पा रहा है, ऑडिटर ये समझ पा रहा है कि सिर्फ इस एरिया के अंदर ये मसला है, तो ऑडिटर फिर अपने यूजर्स को क्यों ना बताए कि यार सिर्फ सेल्स के एरिया में मसला है एंड द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको ये बात बिल्कुल समझना जरूरी है कि यार कब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव है, तो ऑडिटर क्यों फिर नहीं रोक पा रहा, क्यों फिर उस क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पा रहा, तो उसको देना पड़ेगा एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि ये कन्फाइंड है इस एरिया के अंदर, समझ में आ रही है बात। और दूसरी चीज जब वो कहता है कि ये मैं कन्फाइन कर पा रहा हूँ, मैं बता पा रहा हूँ सिर्फ सिर्फ इशू अकाउंट्स रिसीवेबल में,
मटेरियल है मगर अकाउंट रिसीवेबल है, तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा और मैं बोलूंगा कि एक्सेप्ट फॉर अकाउंट रिसीवेबल बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर वन के ऊपर वापस, 700 से 705 पे हम आए, और 705 पे आने की वजह अभी हमने बोली कि हमने डेटा इकट्ठा तो कर लिया मगर डेटा इकट्ठा करने के बाद हम ये नहीं बता पाए, ये बता पाए कि इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और 705 पे है। अब दूसरी चीज ये होगी कि हम डेटा ही इकट्ठा नहीं कर पाए, मतलब हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं गैदर कर पाए। ठीक है, इस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा इसको जरा हम देखते हैं। अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब गैदर नहीं कर पाए इसके ऊपर बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने गए तो तीन इशू हो सकते हैं। पहला इशू ये हो सकता है कि ना आपके हाथ में कुछ था ना क्लाइंट के हाथ में कुछ था और आपको डेटा नहीं मिल पाया, जैसे कि क्लाइंट की एक ऑफिस जो है उसमें फायर ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ रिकॉर्ड्स जल गए, अब ना उसके पास रिकॉर्ड्स हैं ना आप कुछ कर सकते हो, तो दोनों के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी टाइमिंग्स ऑफ द ऑडिट, जब आपने ऑडिट के लिए साइन किया है तो वो जो आपकी टाइमिंग आपने जिस पे साइन किया है उसकी उस टाइमिंग की वजह से आपकी स्कोप लिमिटेशन आ गई है। वो कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को आपकी ईयर एंड की स्टॉक काउंट होती है लेकिन आप जो है ऑडिट आपने साइन करी 10 दिन बाद, तो मतलब 10 जनवरी को अब आप जाके स्टॉक काउंट नहीं कर सकते, 10 डेज की ब्रिजिंग नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर आप कहते हो कि यार ये हमारी टाइमिंग्स ऑफ द ऑडिटर की वजह से मसला हो रहा है स्कोप लिमिटेशन। और तीसरी चीज तब हो सकती है जब मैनेजमेंट खुद आपको डेटा ना दे और वो आपको कहे कि यार हम जो है आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे, हम आपको जो है वो स्टॉक काउंट करने नहीं दे रहे, तो उस कंडीशन के अंदर आप कहते हो कि मैनेजमेंट जो है वो खुद डिलिबरेटली आपको जो है वो स्कोप लिमिटेशन दे रही है, वो आपका खुद का स्कोप वो डिलिबरेटली रोक रही है। अब ये जब डिलिबरेटली रोक रही है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम ऐसे लोगों का ऑडिट ही क्यों कर रहे हैं जो डिलिबरेटली हमारी चीज रोक रही है, जो हमें चीज नहीं दे रही हम उसका ऑडिट कैसे कर सकते हैं, ये तो जान के एक चीज छुपा रही है। जब जान के एक चीज छुपा रही है तो इसका मतलब तो ये है कि इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसके ऊपर हम एंड में टच करेंगे, जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें क्या करना चाहिए। तो अब हम वापस से इसके ऊपर जाते हैं कि इन तीन कंडीशंस की वजह से आपको स्कोप लिमिटेशन हो जाए, आपको डेटा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर पा रहे। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती है, पहली चीज ये हो सकती है कि आपको डेटा जो नहीं मिल पा रहा वो एक स्पेसिफिक एरिया कन्फाइंड एरिया का नहीं मिल पा रहा और आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक की कंफर्मेशंस नहीं भेजने दे रहे। अब जब कैश एंड बैंक की कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे तो आपको मसला कहाँ पे आ रहा है, कैश एंड बैंक एरिया में, बाकी इससे कोई एरिया इफेक्ट नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल। तो आपने डिड्यूस करना है कि क्या ये परवेसिव है या नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये परवेसिव नहीं है। अब जब ये पता चला कि भाई परवेसिव नहीं है कन्फाइंड एरिया में, तो हमने फिर इसके ऊपर सिंपल सी बात ये कहनी है, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है और बोलना है कि हम इसके ऊपर एक ओपिनियन नहीं दे सकते, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हम नहीं बता सकते, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मटेरियल मिसस्टेटेड है, हम ये कहेंगे इट कुड बी पॉसिबली मटेरियली मिसस्टेटेड, इट कुड बी पॉसिबली का एक वर्ड ऐड करेंगे और कहेंगे इट कुड बी पॉसिबली मटेरियली मिसस्टेटमेंट, हाउ एवर अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेप्ट फॉर दिस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर दिस मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी चीज के ऊपर जिसमें हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड हैं या नहीं हमें नहीं पता क्योंकि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए और वो इतना हम डेटा नहीं ले पाए कि अब वो एक से ज्यादा जगह का हमारे पास डेटा नहीं है, मतलब ये कन्फाइंड टू वन प्लेस नहीं है, ये परवेसिव हो चुका है। अब जब परवेसिव होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें ये डेटा जो है जान के नहीं दिया जा रहा या हमारे पास इसका डेटा जो है वो किसी और वजह से हमारे पास नहीं आ रहा, ये स्कोप लिमिटेशन किस वजह से हो रही है। अगर ये स्कोप लिमिटेशन जान के नहीं दी जा रही तो फिर आप उस केस के अंदर कोशिश करेंगे कि ऑडिट से विड्रॉ कर लें, और इसका रीजन ये है कि बहुत चांसेस हैं कि फ्रॉड हो रहे हो, बहुत चांसेस हैं कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा हो। अगर आपको ऑडिट ही नहीं करने दे रहे वो, तो आप किस बात का ओपिनियन दे सकते हैं?
और आप किस बात में आप ये कहेंगे कि हमने डेटा ढूंढने की कोशिश करी मगर हमें डेटा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तो आपको डेटा देना ही नहीं चाहते, तो आप कोशिश करें कि क्यों रिस्क लें, क्यों ऐसा ऐसी ऑब्लिगेशन लें, क्यों ऐसा ऑडिट परफॉर्म करें जिसके अंदर आपको डेटा ही नहीं मिल रहा। तो उस कंडीशन के अंदर आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट, और अगर आपको विड्रॉ नहीं करने दिया जा रहा है ड्यू टू रॉ एंड रेगुलेशन या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है कि मैं कोई ओपिनियन ही नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है, मैं क्या ओपिनियन दूंगा। मैं ओपिनियन दूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, मुझे क्या पता सही है या गलत। समझ में आ रही है? ऑडिट में बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज मुझे पता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं है, मुझे मेरे पास इतना डेटा ही नहीं था कि मैं सफिशिएंटली अप्रोप्रिएटली ये बता सकूं कि यार मैं ये सही था है या नहीं है, तो फिर मैं उसके ऊपर जाहिर है यही बोलूंगा कि भाई मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। इसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अगर किसी और कंडीशन की वजह से भी आपको डेटा नहीं मिल रहा, आप नहीं ओपिनियन दे सकते, सिंपली एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में हमेशा याद रखें कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जिसमें एक तो पहली बात आप ओपिनियन नहीं देते, दूसरा जहाँ पे हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, वहाँ हम लोग ये नहीं लिखते, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं लिखते। दूसरी चीज, इसके अंदर कैम नहीं आ सकता। कैम तभी आ सकता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो ये बताने की कि हमने बड़ी मेहनत करी और इसके ऊपर बड़ी मुश्किल हुई। जब आपके पास डेटा ही नहीं था, जब आप ओपिनियन ही नहीं दे पा रहे, इतना डेटा ही नहीं है, तो आप कैम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो कैम भी नहीं आता। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं मॉडिफिकेशन की, के मॉडिफिकेशन के अंदर हमेशा याद रखें कि 700 से डिविएट करोगे। 700 हमेशा याद रखें कि 700 का मतलब था हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्ड एविडेंस गैदर कर लिया था, और हमने बोला था कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जब इन दोनों में से कोई एक चीज भी हिट करेगी कहीं भी, तो हम बोल देंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 700 से डिविएट कर गई हैं, अब ऑडिट रिपोर्ट जो है 700 से 705 पे ले आओ। जब 705 पे लेके आओगे तो देखोगे एडवर्स है, डिस्क्लेमर है या क्वालिफाइड है, वो चारों में से कोई भी सिचुएशन में गिर सकता है, उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी। और एक चीज इसमें ध्यान रखें कि एडवर्स हो या क्वालिफाइड हो, हमेशा आपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि आपने इसका इफेक्ट बताना है, कि जो भी इश्यूज आए उसकी वजह से हमारे पीएनएल के अंदर ये मसला आ गया, हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होता अगर मसला सही हो जाता। अगर मसला सही हो जाता तो हमारे अकाउंट्स ऐसे होते। ये आप बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर बिल्कुल स्टेट करेंगे कि यार ये चीजों का इफेक्ट है और ये चीजें ऐसी हो जाती, ये इफेक्ट जो है कि पॉसिबल उसका क्या इफेक्ट आता, वो बेसिस फॉर ओपिनियन में डालना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी कोशिश थी 705 को एक डब्बे में बंद करने की, होपफुली आपको काम आएगी।